टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की इन्वॉल्व वन ऑफ द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। क्रिक ने 1958 में इसको सबसे पहले फॉरवर्ड किया था। इसमें पहला स्टेप जो है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और जो दूसरा स्टेप है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से आरएनए को बनना के कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन के बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से डीएनए डायरेक्ट नहीं बन पाता है, बीच में प्रोटीन भी बनती है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से अगेन आरएनए, देन डीएनए। तो इस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कुछ नेसेसरी मटेरियल्स जो होते हैं वो सबसे पहले एमिनो एसिड्स हो, करीब करीब 20 एमिनो एसिड्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये कहलाती है एमआरएनए बाइंडिंग साइट, और जो लार्जर सब यूनिट है इसमें तीन साइट्स होती हैं, ए साइट, बी साइट और ई साइट। ए साइट जो होती है वो एमिनो एसिल साइट कहलाती है, जिसके ऊपर टी आर एन ए अपने 3' एंड के ऊपर एमिनो एसिड्स को लेकर के आता है और इसके ऊपर बाइंड हो जाता है और उसको उस एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है पी साइट के ऊपर, दैट इज पेप्टाइडल साइट। पी साइट के ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं जो कि टीआरएनए लेके आ रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। ए साइट वो होती है जिसके ऊपर टीआरएनए जो रिलीज हो जाता है, एमिनो एसिड को रिलीज करके जब फ्री हो जाता है तो ई साइट से वो निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। इसके बाद स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में असेंबल्ड हो जाते हैं। अगर मैग्नीशियम आयन लेस होगा तो ये दोनों सब यूनिट असेंबल्ड नहीं होंगी। तीसरा जो नेसेसरी एंजाइम नेसेसरी प्रोडक्ट है वो होता है टीआरएनए, देन वो है टीआरएनए, एमआरएनए एंजाइम्स, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, एटीपी एज एनर्जी सोर्स, जीटीपी एज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और सॉल्युबल प्रोटीन, इनिशिएशन एंड ट्रांसफर फैक्टर, वेरियस ऑर्गेनिक कैटायन जैसे पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन। अब प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ इवेंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे एमिनो एसिड का एक्टिवेशन और अटैचमेंट किससे, टीआरएनए के साथ में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में जो इनिशिएशन होता है वो मेन एमिनो एसिड्स के टीआरएनए जो लेकर के आता है उसी से शुरू होता है। लेकिन अमीनो एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड पड़े होते हैं जो कि इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है अमीनो एसिड सिंथेटेज। और अमीनो एसिड सिंथेटेज और एटीपी की प्रेजेंस में ये जो अमीनो एसिड है ये एक्टिवेट हो जाता है और बनाता है अमीनो एसिल एडेनिलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जब ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है तब ये टीआरएनए के साथ में मिल जाता है और बनाता है एमिनो एसिड टीआरएनए। तो सेल में करीब करीब 20 एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम होते हैं जो कि 20 एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग होते हैं। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स, हर एक एमिनो एसिड्स का अलग अलग एंजाइम होता है। अब ये जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स हैं ये एमिनो एसिड एडेनिलेट के ट्रांसफर टू एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, दैट इज टीआरएनए की साइट पे, जहां पर एमिनो एसिड साइट है जो कि 3' एंड के ऊपर है उसके ऊपर जाकर के स्टिक हो जाते हैं और कहलाते हैं ये जो टीआरएनए था वो कहलाते हैं एमिनो एसिड टीआरएनए। अब इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इनिशिएशन की प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इनिशिएशन का पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में, तो इसमें जो टी आर एन ए मॉलिक्यूल होता है प्रोकैरियोट में इज एसिलेटेड विद मॉडिफाइड अमीनो एसिड, दैट इज एन फॉर्मिल मिथियोनिन, या इसको हम कह सकते हैं एफ मेट। ये जो है टी आर एन ए के साथ अटैच होता है और टी आर एन ए कहलाने लगता है एफ मेट टी आर एन ए, एफ मेट टी आर एन ए या फॉर्मुलेटेड टी आर एन ए। बोथ टी आर एन ए
एफ मेट या टी आर एन ए मेट रिकॉग्नाइज द कोडान ए यू जी. ए यू जी क्या है? इनिशिएशन कोडान है. बट ओनली टी आर एन ए एफ मेट इज यूज फॉर इनिशिएशन, है ना. सिर्फ टी आर एन ए एफ मेट जो है फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन जिस टी आर एन ए के साथ में लगी हुई है वही टी आर एन ए इनिशिएशन कोडान की तरह यूज होता है. तो द टी आर एन ए एफ मेट मॉलिक्यूल इज फर्स्ट एसिलेटेड या चार्ज एसिलेटेड कह सकते हो, या फर्स्ट चार्ज है या एसिलेटेड है विद मिथियोनिन. मिथियोनिन क्या है? एक एमिनो एसिड है विद एन एंजाइम प्रोकैरियोट्स में, जो कि फॉर्मल ग्रुप एमिनो एसिड के साथ में मिथियोनिन जो है वो अटैच हो जाता है और इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है.